हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आशीष सर और आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस। तो हम लोग अब चल रहे थे अपने स्पीकिंग की क्लास की तरफ, क्योंकि अब तक बहुत सारा बर्डन आया था, बहुत सारी समस्याएं आई थी, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया था, सर मुझे ये नहीं आता, मुझे सेंटेंस बनाना नहीं आता, कभी कभी वाक्य लंबे चौड़े हो जाते हैं, तो हम कैसे उसको सॉल्व करें हमें नहीं समझ में आता। तो हमने आप लोगों को पहले भी बताया है, आज फिर से बताते हैं गाइस। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, इट हैज़ बीन स्पोकन बाई विलियम शेक्सपियर, हु इज़ अ नन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश, जिसे हम फादर ऑफ इंग्लिश कहते हैं। विलियम शेक्सपियर के द्वारा भी ये बताया गया है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, संभव सब कुछ है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए, करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। बिकॉज सक्सेस बिलोंग टू दोज हु डेयर, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान हो, जिनको खुद पर यकीन हो। कहते हैं कि पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, आपके अंदर एक टारगेट होना चाहिए। नाउ आई हैव टू अचीव एंड आई हैव टू बिकम अ गुड स्पीकर, एंड इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड स्पीकर, दैट्स माई चैलेंज, यू विल बी द सुपीरियर स्पीकर वेन यू विल बी अ गुड ऑडियंस फर्स्ट। सबसे पहला स्पीकिंग करने से ज़्यादा जरूरी है कि हम किसी को अच्छे से सुनना सीखें, क्योंकि If we will listen to other people, then definitely we can face to the people. Otherwise, it will be always difficult. So, whenever we are just going to face, it is a really horrible for us. हमारे लिए समस्याएं बनती है कि हम कैसे जो है अपने आप को एक्सप्रेस करें किसी के सामने। तो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों को बताया कि हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, विथ ग्रामर रूल्स, विदाउट ग्रामर रूल्स, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जहाँ पर हमें ज़रूरत हो वहाँ पर हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता को ढूंढते हैं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमें उसकी तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप पर कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली यू कैन डू बेस्ट। सो नाउ टुडे वी विल रीड समथिंग एल्स, आज हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है कि हम कभी कभी किसी से मिलते हैं, मान लीजिए हमारे कोई फ्रेंड्स हैं या हमारा कोई परिचित है, फैमिलियर है, हम उसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम आती है कि हम इंट्रोड्यूस कैसे करवाएं। अब इंट्रोड्यूस करवाने का भी अलग अलग तरीका है, अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो हम आज बात करेंगे कि अगर हम मान लीजिए अपने किसी फ्रेंड को अपने घर पर लेके गए, ठीक है, हम किसी को अपने घर पे ले गए, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई भाई से, अपने दीदी से सबसे परिचित करवाना चाहते हैं, तो किस तरह के सेंटेंसेस हमारे सामने बन सकते हैं और किस तरह से आप उनको परिचित करवा सकते हैं। तो आज हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस वन अनदर। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए, हम आज चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। पहला चैप्टर डाल लीजिए गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या, हाउ टू इंट्रोड्यूस विद द पर्सन ऑफ एनी अनफेमिलियर पीपल्स, परिवार से या अपने सगे संबंधियों से किसी अनजान व्यक्ति का कैसे परिचय कराएं जिससे सिर्फ हम परिचित हों, है ना। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई कह दे कि आपके घर आपका मित्र आ गया और उसे आपके अलावा कोई नहीं जानता है, और आप उसका परिचय किससे करवाना चाहते हैं, अपने पापा से करवाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, जी आप मेरे पिताजी हैं। नाउ जस्ट माइंड अबाउट दैट, एक सेंटेंस आया आपके सामने, जी आप मेरे पिताजी हैं। अब ऐसा रहता है तो कुछ लोग हंसी करते हैं कि पापा को बता रहे हो कि आप मेरे पिताजी हैं, पापा नहीं जानते कि आपके पिताजी हैं। तो नहीं गाइस, इसका अर्थ ये नहीं कि आप पापा को बता रहे हो कि आप मेरे पिताजी हैं, बल्कि इसका अर्थ क्या है, जी मैंने लगाया, तो जी का अर्थ क्या होता है, जो हमारे यहाँ आया हुआ है, हम उसे एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, उसे बताते हैं कि जी आप मेरे पिताजी हैं। सॉरी तो आप मेरे पिताजी हैं, हम किसको दिखा रहे हैं, वह व्यक्ति जो अपने घर पर विजिट किया है, जो हमारे घर पे आया है, हम उसे दिखा करके बता रहे हैं कि आप मेरे पिताजी हैं, कि देखिए ये मेरे पापा हैं। तो आप जी के लिए हम क्या यूज करते हैं, सर। क्या यूज करते हैं, सर। अब जब सर जी आ गए तो हम इनको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, सर हो गए। अब यहाँ पे यू के लिए ही लगेगा, पापा की बात कर रहे हैं ना कि वह मेरे पापा हैं, तो ही इज माय फादर, ही इज माय फादर। चलिए ये तो मान लीजिए पापा की बात हो गई। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मम्मी की भी बात करते हैं, जी आप मेरी माँ हैं, आप मेरी माँ हैं, आप मेरी माँ हैं। तो नाउ जस्ट माइंड अबाउट दैट वन, जी आप मेरी माँ हैं, तो क्या हो जाएगा भैया,
सबसे पहले हम लिखेंगे सर, उसके बाद आप मेरी माँ हैं, तो हो जाएगा सी सर, सी इज माई मदर, सी इज माई मदर। नेक्स्ट ऑप्शन इज, मान लीजिए मम्मी और पापा का परिचय तो करवा दिए, अगर घर पे बड़े भैया जी भी हैं तो उनका भी परिचय होगा। तो अगर मान लीजिए कहा जाए कि जी आप मेरे बड़े भैया हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, आप मेरे बड़े भाई हैं, तो अब यहां पर भी सेम कंडीशन होगी जैसे पापा के साथ आपने यूज किया, क्या करेंगे सर, अब आप मेरे बड़े भैया हैं तो ही इज माय क्या एल्डर ब्रदर, ठीक है। आजकल जमाना बड़ा शॉर्टकट वाला है भैया, यहाँ ब्रदर की जगह ब्रो भी कुछ लोग बोलते हैं, तो आप भी बोल सकते हो, बट ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या बोलना होता है, ब्रदर बोलना होता है, ब्रो बोलना उचित नहीं रहता है। ये शॉर्टली आजकल शॉर्टकट का जमाना है, कितने कम वर्ड में बोल लिया जाए, इसलिए लोग ब्रो भी बोल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर ये तो बड़े भैया की बात हुई, बड़ा भाई है तो हमने बता दिया कि ही इज माई एल्डर ब्रदर, अगर कहा जाए कि यह मेरा छोटा भाई है, क्या हो जाएगा, यह मेरा छोटा भाई है, तो यह मेरा छोटा भाई है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, यह तो हो जाएगा ही इज किसका भाई है, मेरा है ना, ही इज माई भाई कैसा है, छोटा, ही इज माई तब क्या बताएंगे, यंगर, ही इज माई यंगर भाई की इंग्लिश क्या होती है, ब्रदर, ही इज माई यंगर ब्रदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हो जाए भैया का परिचय हो गया, मम्मी का परिचय हो गया, पापा का परिचय हो गया, तो बचता कौन है घर में, अभी दीदी जी की संख्या बची हुई है, चलिए हम दीदी जी के पास चलते हैं, तो जी आप मेरी दीदी जी हैं, ठीक है, जी आप मेरी दीदी जी हैं, तो हम क्या करेंगे, जी के लिए हो जाएगा सर, और उसके बाद सी इज दीदी, हम किसको बोलते हैं, जो हमसे छोटा होता है ना, जो छोटा होता है, अरे नहीं भाई, जो हमसे छोटा होता है उसको तो हम नाम लेके भी बुला लेते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं ना उन्हीं को दीदी बोल लेते हैं, उनको प्रायः दीदी बोला जाता है, तो दीदी का ऑप्शन क्या हो गया, सी इज माई एल्डर सिस्टर, सी इज माई एल्डर सिस्टर। अगर यहीं पे छोटी सिस्टर की बात कर ली जाए, बड़ी बहन ना होकर के हम क्या कहते हैं, यह मेरी छोटी बहन है, यह मेरी छोटी बहन है, अब छोटी बहन है तो क्या बताएंगे भैया, यह मेरी छोटी बहन है तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई यंगर सिस्टर, भाई यह आ रहा है ना, यह जो है दिस इज जस्ट लाइक अ डमी वर्ड, दिस इज अ डमी वर्ड, वी कांट यूज फॉर सिस्टर्स, सिस्टर हमारी लिविंग थिंग्स में आती है ना, तो हम इनके लिए दिस नहीं यूज करते, इनके लिए यूज करते हैं क्या, सी, सी इज माई यंगर सिस्टर, सी इज माई यंगर सिस्टर, क्या हो गया, सी इज माई यंगर सिस्टर, यह मेरी छोटी बहन है। चलिए यहाँ तक तो मान लीजिए भैया दीदी पापा और मम्मी का परिचय हो गया, अगर मान लीजिए आपका क्लासमेट है आपके घर आया, तो उसका भी परिचय तो करवाएंगे ना घर वालों से, तो आप क्या बताएंगे कि यह मेरा सहपाठी है, क्या है, सहपाठी, यह मेरा सहपाठी है। इस चीज पर भी ध्यान देना गाइस, सहपाठी का मतलब क्या होगा, सह मतलब साथ और पाठी का मतलब पढ़ने वाला, मतलब साथ में पढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं, सहपाठी बोलते हैं, तो यह मेरा सहपाठी है तो क्या हो जाएगा, ही इज माय क्या है, क्लासमेट, ही इज माई क्लासमेट, यह मेरा क्या है, सहपाठी है। अगर मान लीजिए यहाँ कहा जाए कि यह मेरा सहकर्मी है, यह मेरा सहकर्मी है, यह मेरा सहकर्मी है तो क्या हो जाएगा, ही इज माई कलीग, ही इज माई कलीग, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये होता है आपका फर्स्ट लेसन का इंट्रोड्यूस, जब हम किसी से मिलते हैं
तो हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? इसमें कुछ और भी रिलेशंस होते हैं, मान लीजिए दादा की बात कर ली जाए तो क्या बताते हैं, ही इज माई ग्रैंड फादर। दादी की बात कर ली जाए तो ही इज माई ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर को हम ग्रैनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रैनी भी बोलते हैं। तो एक चीजों को ध्यान रखिए कि रिश्ते चाहे जिस तरह के हो, इंट्रोड्यूस जब भी करेंगे तो हम इसी तरीके से उनका परिचय करवाते हैं कि आप मेरे पिताजी हैं तो सर ही इज माई फादर, आप मेरी माँ हैं तो सी इज माई मदर, आप मेरे भैया हैं तो इज माई एल्डर ब्रदर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक दूसरे का इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर आपको बताएंगे कि किसी से हाल चाल कैसे पूछा जाता है, कैसे रिप्लाई की जाती है। हे गाइस, तो आपने पढ़ा ना परिचय आपका, किस तरह से आप किसी से परिचय करवा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके समझ में आया होगा। आज के बाद आपको किसी से अपना परिचय देने में या किसी को अपना परिचय करवाने में आपको कोई झिझक नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपके डेफिनेटली समझ में आया होगा। आई होप यू हैव गॉट इट वेल एंड डेफिनेटली यू विल यूज इट इन योर डेली रूटीन। When you will start is using in talking skill, in daily talking, in daily ratios, in daily routines, definitely it will be useful for you. आप इसको अपने बोलचाल की भाषा में, रोज की बातों में यूज करेंगे तो definitely इसका लाभ होगा आपको। तो we will meet in next video. If you have any kinds of doubt, just send the message in comment box. We will solve that all well. So now, since then, goodbye and take care of yourself. Thank you.